हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुनिया का सबसे अच्छा या अच्छे वीगन प्रोटीन के सोर्सेस। तो जितने भी प्रोटीन होते हैं वो बने होते हैं अमाइनो एसिड से। वो अमाइनो एसिड सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर और उनके सीक्वेंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर सोर्स के अंदर। 9 असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। असेंशियल इसीलिए क्योंकि हमें अपनी डाइट से इन्हें लेना पड़ता है, हमारी बॉडी इन्हें नहीं बना पाती। तो आमतौर पर जितने भी एनिमल प्रोटीन होते हैं उनके अंदर कंप्लीट प्रोटीन होता है, लेकिन वेजिटेरियन और वीगन प्रोटीन सोर्सेज बहुत कम हैं जिनके अंदर ये सारे के सारे अमाइनो एसिड आपको मिलेंगे। प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है वो डिसाइड करते हैं 4-5 चीजें। सो नंबर 1 पे जो चीज है वो है कि उस फूड के अंदर टोटल प्रोटीन कितना है, कि उनका रेशियो क्या है, प्रोटीन का रेशियो क्या है एज कम्पेयर टू कार्ब एंड फैट। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है बायो अवेलेबिलिटी, यानी कितना वो प्रोटीन आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर पाएगी ना, अब्जॉर्ब करने के बाद भी कितना आपकी बॉडी उसे यूटिलाइज कर पाएगी। अगर हम बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो 1 में से इसको जो स्कोर मिला है वो है 0.89, विच इज वेरी गुड, जो काफी एनिमल प्रोटीन से भी अच्छा है। इनफैक्ट अगर हम बीफ या बाकी किसी एनिमल प्रोटीन की बात करें उसका अब्जॉर्प्शन से इसकी बायो अवेलेबिलिटी उससे ज्यादा है। अनदर रीजन की पी प्रोटीन आपके लिए अच्छा है वो ये कि इसके अंदर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का प्रोफाइल बहुत अच्छा है। हाउएवर इट इज लो इन 1 अमाइनो एसिड जो असेंशियल होता है, दैट इज मेथनाइन। इसीलिए मोस्टली पी प्रोटीन को किसी सीड के साथ इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि हैम सीड हो गया या फ्लैक्स सीड हो गया। ऐसे में कई बार जब मैं अपनी रेसिपीज में प्रोटीन पाउडर को यूज करती हूँ तो मुझे क्वेश्चन आता है कि विच प्रोटीन पाउडर डू यू यूज, एंड इफ यू फॉलो माई रेसिपी चैनल दैट इज फिट फूड फ्लेवर्स, तो आप देखेंगे वहां पर मैं बहुत सारी वीगन रेसिपीज बनाती हूँ जिसमें मैं वीगन प्रोटीन का इस्तेमाल करती हूँ। तो आपके सवाल का भी जवाब मैं यहीं पर दे देती हूँ। सो आई यूज न्यूट्राबे वेलनेस वीगन प्लांट प्रोटीन पाउडर जिसमें सुपर फूड का कॉम्बिनेशन है और ये चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है। ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है। आई कंज्यूम इट इन माई शेक्स, इन माई स्मूदीज, इन माई पैनकेक्स, यहाँ तक कि मैं अपने कपकेक्स के अंदर भी इस प्रोटीन को कई बार ऐड करती हूँ। तो अगर मैं इस प्लांट प्रोटीन की कुछ स्पेशल चीजों के बारे में बताऊँ तो ये आपको 1 स्कूप के अंदर यानी 34 ग्राम्स के अंदर 24 ग्राम प्रोटीन देता है, जो एक प्लांट प्रोटीन के सोर्स के लिए काफी रिच है। ये आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, ये आपकी एपेटाइट को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ सुपर फूड्स का कॉम्बिनेशन भी आपको मिलेगा। इसके अंदर स्पिरुलिना है, फ्लैक्स सीड्स हैं, मोरिंगा है, विच आर पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो वहां से भी आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अंदर एडेड 13 विटामिन्स एंड 11 मिनरल्स भी हैं जो कई तरह की डेफिशिएंसीज दूर कर सकते हैं। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का ब्लेंड है ताकि इसका अब्सॉर्प्शन ज्यादा हाई हो और ज्यादा जल्दी से हो। मैं इसे पानी के अंदर कंज्यूम करना पसंद करती हूँ। स्मूदीज में प्लांट मिल्क के साथ मैं इसे ऐड करती हूँ। इसके अंदर कंप्लीट अमाइनो एसिड का प्रोफाइल है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी काफी हाई है बिकॉज इसके अंदर पी प्रोटीन है। इसके अलावा इसके कुछ की फीचर्स हैं जैसे कि ये नॉन GMO है, इट हैज नो एडेड आर्टिफिशियल कलर, कोई भी इसके अंदर बैंड सब्सटेंस नहीं है, इट इज़ सोया फ्री, इट इज़ ग्लूटेन फ्री, इट इज़ डेयरी फ्री। इनफैक्ट देर आर लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जो मैं न्यूट्राबे के कंज्यूम कर रही हूँ एंड आई हाईली रिलाई ऑन द क्वालिटी, स्पेशली जब क्वालिटी की बात आती है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं इसे तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो एक स्कोर कार्ड पे तय की जाती है जिसे कहा जाता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। तो ये जो स्कोर होता है वो बताता है कि वो प्रोटीन सोर्स जो है कितना आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो पाएगा। ये जो स्कोर कार्ड है उसमें नंबर दिए जाते हैं 1 से, जो मैक्सिमम नंबर होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1 की। यानी अगर किसी प्रोटीन सोर्स को 1 का स्कोर कार्ड मिला है इसका मतलब कि वो पूरी तरह आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है और यूटिलाइजेशन के लिए एटलीस्ट अवेलेबल है।
नेक्स्ट जो होता है इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, जो भी मिल्क बेस्ड प्रोटीन होता है उससे कई लोगों की बॉडी में इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देखने को मिले हैं। नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिबिलिटी, डाइजेस्टिबिलिटी कितनी अच्छी है उस प्रोटीन की, कितना इजीली आपकी बॉडी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेती है। थर्ड नंबर पर आता है उसके अंदर कितने अच्छे ब्रांच चेन अमाइनो एसिड हैं। प्रोटीन के अंदर 3 अमाइनो एसिड होते हैं, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन। इन अमाइनो एसिड को आपकी बॉडी बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करती है, स्पेशली अगर आप एक्सरसाइज के दौरान इन्हें कंज्यूम करते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी प्रोटीन की क्वालिटी, जो आप प्रोटीन ले रहे हैं वो कैसी है। तो कई ऐसे वीगन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं जो काफी बेहतर हैं वे प्रोटीन से भी, वो इसीलिए क्योंकि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है, वो इन्फ्लेमेशन नहीं कॉज करता है। और इससे भी अच्छी चीज है वो ये, जो प्लांट प्रोटीन होता है उसका एक्सट्रैक्शन जो होता है, यानी जब प्रोटीन आइसोलेट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो मैकेनिकली होता है, वो हीट के प्रोसेस से यानी हीटिंग से या फिर केमिकल प्रोसेस से नहीं होता है। ऐसे में उसका डाइजेशन, उसकी अवेलेबिलिटी और उसका इन्फ्लेमेशन कॉज करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा जो प्लांट प्रोटीन है अगर आप लेना चाहें तो वो है पी प्रोटीन आइसोलेट। अगले प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट की मैं बात करूं तो वो है सोया प्रोटीन आइसोलेट। इसकी बायो अवेलेबिलिटी पी प्रोटीन से ज़्यादा होती है, लेकिन सोया प्रोटीन जो होता है उसके अंदर GMO इज वन थिंग। सो GMO इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन, और मोस्टली जो पाउडर यूज करते हैं सोया प्रोटीन बनाने के लिए उसमें GMO होने के चांसेस होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड होने की वजह से कई लोग जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर है वो इसे अवॉइड करते हैं। इसके अलावा इससे होने वाली एलर्जीज भी काफ़ी हाई हैं, एज वेल एज सेंसिटिविटी। तो इन केस यू आर नॉट सेंसिटिव टू इट, इन केस यू डोंट हैव एनी एलर्जीज और एनी हार्मोनल इम्बैलेंस, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। सोया प्रोटीन के अंदर आपको सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड भी मिलेंगे और इसके अंदर आपको सारे के सारे BCA यानी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड भी मिलेंगे। नेक्स्ट इज हेम प्रोटीन। हेम सीड का प्रोटीन की क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। इसका प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर जो है वो है 0.64 के आसपास, विच इज क्वाइट लो अगर हम इसे बाकी सोर्सेज से कंपेयर करें। इसके अंदर लाइसिन काफ़ी कम मात्रा में होता है, तो एज कम्पेयर टू पी प्रोटीन एंड सोया प्रोटीन, बिकॉज इट इज नॉट अ कम्प्लीट प्रोटीन, इसके अंदर लाइसिन कम होता है तो ये इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। ऑल्सो ये हमेशा ब्लेंडेड फॉर्म में मिलता है, मैंने आज तक हैम सीड आइसोलेट प्रोटीन नहीं देखा है। सो इफ यू हैव सीन इट यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है ब्राउन राइस प्रोटीन। ब्राउन राइस प्रोटीन की अगर हम बायो अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो इसका स्कोर जो है वो है 0.42, तो इट इज लो एज कम्पेयर टू आर अदर्स जो हमने डिस्कस किए हैं। ये भी लाइसिन में कम होता है। And there is one problem with rice product, that is there is a potential chances कि इसके अंदर contamination हो of heavy metals like arsenic. इसके अलावा पांचवे नंबर पर आते हैं प्रोटीन के ब्लेंड। As I said कि जितने भी प्लांट प्रोटीन होते हैं मोस्टली उनका जो प्रोफाइल होता है अमाइनो एसिड का वो कम्प्लीट नहीं होता है, ऐसे में आपको बहुत सारे ब्लेंड भी मिलेंगे। जैसे जो प्रोटीन पाउडर मैंने आपको दिखा है उसके अंदर फ्लैक्सीड भी है, पी प्रोटीन भी है, ऐसे ही आपको कींदवा का प्रोटीन के ब्लेंड मिल जाएंगे, ब्राउन राइस के प्रोटीन के ब्लेंड मिल जाएंगे। So, अब बारी आ गई है सेकेंड कैटेगरी को डिस्कस करने की, कौन कौन से नेचुरल प्रोटीन के सोर्सेज हैं जो एज अ वीगन आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें नंबर वन पर आती हैं लेंटिल्स। दालें जो होती हैं दे आर हाई इन प्रोटीन, दे आर हाई इन फाइबर, दे आर हाई इन मेनी अदर असेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स, जैसे कि जिंक होता है उनके अंदर, उनके अंदर बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन आपको मिलेंगे, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। अगर मैं कुक्ड दाल की बात करूं तो आपको आधा कप कुक्ड दाल के अंदर 8 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अंदर पोटेशियम भी होता है। नंबर टू पर आती हैं हमारी बीन्स, हमारे लिग्यूम्स, वो भी हाई होते हैं इन फाइबर, इन आयरन, इन कैल्शियम एंड मेनी अदर न्यूट्रिएंट्स। नंबर तीन पर आते हैं हमारे सूडोग्रेन। सूडोग्रेन वो ग्रेन होते हैं जो असल में होते हैं सीड्स, लेकिन उन्हें ग्रेन की तरह कंज्यूम किया जाता है। तो कीनवा है, एम्बरेंथ यानी चौलाइया जिसे राजगिरा भी कहा जाता है, बकवीट यानी कुट्टू है, ये तीनों ही सीड हैं लेकिन इन्हें ग्रेन की तरह कंज्यूम किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह कि इनके अंदर आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा, यानी इनके अंदर सारे के सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको मिलेंगे। ऑल्सो दे आर रिच इन आयरन, दे आर रिच इन कैल्शियम, दे आर रिच इन पोटेशियम, दे आर रिच इन जिंक, दे आर रिच इन बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन, इनके अंदर वाइटामिन ई भी आपको मिलेगा, वाइटामिन के भी आपको मिलेगा।
नंबर चार पर आता है सोया, सोया या फिर टोफू। यस इट्स इट ऑल्सो हैज़ कम्प्लीट प्रोटीन, इसके अंदर सारे के सारे असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। बट आई वुड अगेन लाइक टू टेल यू दिस कि मेक श्योर कि आप ऑर्गेनिक सोया में इन्वेस्ट करें। मेक श्योर कि जो आप टोफू बनाएं वो घर पर बनाएं, ना कि बाजार से लेकर आएं, बिकॉज वो मोस्टली GMO सोया से बनता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। आई एम शेयरिंग अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फूड, तो आप वैरायटी ऑफ फूड से अपने प्रोटीन का कंजप्शन पूरा कर सकते हैं एज अ वीगन। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं नट्स एंड सीड्स, तो वॉलनट्स हैं, आमंड्स हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, दे ऑल हैव गुड क्वालिटी प्रोटीन, उसके अंदर फाइबर भी होता है, ओमेगा 3 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज न्यूट्रिशनल ईस्ट, न्यूट्रिशनल ईस्ट को आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल ईस्ट बेसिकली वीगन्स के लिए चीज भी कहलाता है, इट इज गुड इन प्रोटीन। एक टेबल स्पून न्यूट्रिशनल ईस्ट से आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन भी आपको मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 grams ऑफ प्रोटीन ईच टेबल स्पून। तो ये थे वो सारे प्रोटीन के सोर्सेज, चाहे हम सप्लीमेंट सोर्सेज की बात करें या फिर नेचुरल सोर्स की, जो अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर, बाय बाय।